तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश व्लॉग। और अब हम आ चुके हैं वेरी फ्लावर केवड़िया में। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जंगल सफारी की, पहले उससे जाके देखिए फिर यहाँ पे आइए। तो ये है ग्लो गार्डन और ये है वैली ऑफ फ्लावर, दोनों ही साइड बाय साइड है। और मैं अभी वैली ऑफ फ्लावर में आपको जाके दिखाने वाली हूँ अंदर का पूरा सीन। और अगर आपको बैठना है तो इधर बैठने के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है और वहाँ पे आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। तो चलिए और मैं आपको अंदर का सीन दिखाती हूँ।
पूरा व्यू आ रहा है, पूरा उधर पहाड़ दिख रहा है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये सब जो भी फ्लावर्स है, ये रात में तो मतलब ग्लो करते हैं, इसलिए इसका नाम ग्लो गार्डन है। और 5:30 बजे के बाद, अभी तो फ़िलहाल 4 बजे, तो अभी ग्लो नहीं कर रहे। और क्योंकि मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगी लेज़र शो देखने और उसका एक अलग से ब्लॉग बनेगा, तो प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। और इसके पहले का यूनिटी मुंबई टू केवड़िया और जंगल सफारी वाला ब्लॉग बिल्कुल ही देखना मत भूलिएगा। और फ्लावर्स तो कुछ अलग ही लेवल गए हैं। और ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा है, बस सुना है। और ये वो है, ये सनफ्लावर है। मैं अभी बैक कैमरा से भी दिखाती हूँ। और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो हमने अभी भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। बाप रे, इतना 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 अच्छा लगा इधर। और ये फूल, वाह। और मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो था, मैं अभी आपको वो बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, सर्कल में भी ये रखा है। और इधर मेक इन इंडिया का लोगो भी लगा है, लाइन वाला। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा गार्डन है ये। हर जगह बस हरियाली हरियाली दिख रही है। और सनफ्लावर, इधर भी है सनफ्लावर, उधर एक पेड़ है जिसकी फूल बार बार गिर जा रही है हवा की वजह से। इधर इतनी ज़्यादा हवा रही कि मैं बता नहीं सकती। और उधर लिखा है आई लव वेरी फ्लावर, मतलब सच में बहुत अच्छा है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कितना पहाड़ है, और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, और फोटोज़ भी बहुत मस्त आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सरदार सरोवर डैम है, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। और अगर आप यहाँ पर आए तो ये भी एक विजिटिंग प्लेस है।
देना पड़ेगा बाय बाय, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला गार्डन पसंद है, वन ऑफ द बेस्ट गार्डन आई एवर सीन इन माई लाइफ येट। और ये ग्लो गार्डन अभी तक खुला नहीं है, वो 5:30 बजे खुलता है, अभी टाइम है, तो मैं सीधा जाऊँगी लेज़र शो की तरफ और वहाँ से आपको वापस से एक नया व्लॉग दिखाऊँगी। लेकिन उसके पहले आप मेरा सब व्लॉग देख चुके हैं कैसे है, और ये सब ज़रूर कहना, मुझे कमेंट करना, और तो और गार्डन बहुत अच्छा है, कभी आप ज़रूर आना। और ठीक है, बाय बाय, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।